बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तगण ज्ञान की प्राप्ति, आलस्य और अज्ञानता से मुक्ति पाने के लिए माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती का प्रकाट्य हुआ था और जड़ चेतन को वाणी मिली थी। यही कारण है कि बसंत पंचमी को विद्या जयंती भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पंचमी 5 फरवरी सुबह 03:47 से शुरू होगी और 6 फरवरी की सुबह 03:46 पर समाप्त होगी। इस तरह बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी को मनाया जाएगा। पूजा के लिए शुभ समय सुबह 07:07 से दोपहर 12:57 तक है। राहु काल सुबह 09:51 से दिन में 11:13 तक रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, इसलिए इस समय पर पूजन आदि ना करें। वसंत पंचमी का दिन हिंदू कैलेंडर में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है, उस दिन को ही सरस्वती पूजा के लिए सही माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय और दोपहर के मध्य के समय को पूर्वाह्नक के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी के दिन किसी भी समय माँ सरस्वती की पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्वाह्न का समय पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। सभी शिक्षा केंद्रों, विद्यालयों में पूर्वाह्न के समय ही सरस्वती पूजा कर माता सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। वसंत पंचमी का महत्व। भारतीय पंचांग में 6 ऋतुएं होती हैं। इनमें से बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्योहार है। ऋतुराज बसंत का बहुत महत्व है। ठंड के बाद प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल पीले फूलों के साथ आमों के पेड़ों पर आए फूल चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंड मौसम को और भी खुशनुमा बना देती है। यदि सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौसम बहुत अच्छा होता है। इंसानों के साथ पशु पक्षियों में नई चेतना का संचार होता है। इस ऋतु को काम बाण के लिए भी अनुकूल माना जाता है। यदि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक देखा जाए तो इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यह त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत खास है। इस त्योहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान आदि करते हैं। इसके साथ ही बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने मनुष्य और जीव जंतु योनि की रचना की। इसी बीच उन्हें महसूस हुआ कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण सभी जगह सन्नाटा छाया रहता है। जिस पर ब्रह्मा जी ने अपने कम मंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री, जिसके एक हाथ में वीणा दूसरे में हाथीवर मुद्रा में था तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी, प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने वीणा वादन का अनुरोप किया, जिस पर देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिस पर संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी जल धारा कोलाहल करने लगी, हवा सरसराहट करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। मां सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी आदि कई नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की उत्पत्ति बसंत पंचमी के दिन की थी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्मदिन मानकर पूजा अर्चना की जाती है। वसंत पंचमी व्रत विधि। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत माँ भगवती सरस्वती की आराधना का प्रण लेना चाहिए। इसके बाद दिन के समय यानी पूर्वाह्न काल में स्नान आदि के बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार सफेद पुष्प, चंदन, श्वेत वस्त्रादि से देवी सरस्वती जी की पूजा करना चाहिए। सरस्वती जी का पूजन करते समय सबसे पहले उनका स्नान कराना चाहिए। इसके पश्चात माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद फूल माला चढ़ाएं।